ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम्। हे परमानंद, हे परम आनंद प्रदानकारी, हे परमानंद, हे माधव, तुमको बारंबार प्रणाम। भगवान के कृपा से क्या असंभव है? ये संसार में, ये पृथ्वी में ऐसा कोई भी कर्म नहीं है, कोई भी इच्छा ऐसा नहीं है जो कि भगवान के कृपा से पूर्ण नहीं हो सकता। इसी को समझाते हुए बोला जा रहा है, संपूर्ण ज्ञान दिया जा रहा है कि मूकं करोति वाचालम्। जो मूक है, जो कि बोल नहीं पा रहा है, वो कभी बोला ही नहीं है, अगर भगवान का कृपा हो वो वाचाल हो जाता है। इसका मतलब जो कि बहुत बोलता है, हम लोग उसी को वाचाल बोलते हैं। भगवान, हे माधव, हे परमानंद का अगर कृपा वर्षा हो जाए तो जो जन्म से मूक भी है वो इतना बोलता है, वो ऐसे बोलने लग जाता है कि ये सारा जगत आश्चर्यचकित होके रह जाता है। पंगु लंघयते गिरि यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधव। जो पंगु है, जो हैंडिकैप्ड है, जो फिजिकली चैलेंज्ड है, जो कि चल नहीं पाता, वो कभी चला नहीं, अगर वो हरि, वो अच्युत, वो अनंत का कृपा हो जाए, वो एक खाली ऐसे चलने नहीं लग जाए, वो तो गिरी भी लंग जाए, वो कोई भी पहाड़ पर्वत जो कि साधारण मानव के लिए भी असंभव है उसी को भी चढ़ के चला जाए, ऐसे भगवान के कृपा है। यहाँ पे तत्व को समझिए। ये तो दो एक यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। भगवान के कृपा से ऐसे कोई भी वस्तु या इच्छा या कोई ऐसे कठिन कार्य नहीं है जो कि पूर्ण नहीं हो सकता है। इसीलिए भागवत का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक भगवान बोल रहे हैं, नमई नृसिंह चरण अनादि परम कारण। भगवान नृसिंह का अवतार लेते हैं जो कि ना पशु है, ना मानव है, ना दिन में आए, ना रात में आए, ना घर में आए, ना बाहर में आए, ऐसे अवतार, ऐसे रूप जो कि कोई कल्पना नहीं किया है उसी को भी धारण कर लेते हैं। क्यों? केवल ही केवल भक्त का मनोवांछा, प्रह्लाद का मनोवांछा पूर्ण करने के लिए भगवान ऐसे रूप, ऐसे अवतार का धारण करते हैं कि जो कोई कभी कल्पना या सोचा भी नहीं था। इसीलिए भगवान के लिए कोई भी कर्म असंभव नहीं है, और वो जब भक्त के ऊपर में संतुष्ट हो जाते हैं, प्रीत हो जाते हैं, तो भक्त के लिए कोई भी कर्म, कोई भी कार्य और असंभव नहीं हो जाता है। इसलिए और एक बार उनको समर्पित भाव से बोलिए, मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम्। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।